हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज घर पे आने वाले कुछ मेहमान अपना वही कसेरला से भाई आ रहे हैं। उनकी वाइफ है, उनका बेबी है और एक उनकी माता जी हैं। ठीक है, अपने मेरे रिलेटिव्स में ही हैं। ठीक है, जो अपने मामा जी हैं जैसे उनके आगे रिलेटिव में है, जो करण है उनके रिलेटिव, और मतलब यार दोस्ती में भी हैं कसेरला से। वो रहते हैं यहाँ से पोर्टो रहते हैं। तो फ्लैट उनकी लिस्ट में लैंड होनी है आज। तो नकुल और एक भाई सूर्या, वो दोनों गए हुए हैं उनको लेने के लिए। और मैं जा रहा हूँ इस टाइम लीडर एल्डी एल्डी में थोड़ा मतलब दूध देने के लिए, क्योंकि आज मैंने निकालना है पनीर निकालना है क्योंकि उनके लिए बनाना है पनीर। तो मिलते हैं आपको अपना एलडी में पहुंच के, दूध लेके आते हैं फिर बनाएंगे अपनी, वो दिखाएंगे आपको। तो फिर मैं पहुंच चुका हूँ अपने एलडी में, फिर अब यहाँ से लेते हैं दूध। तो मिलते हैं आपको दूध लेने के बाद। तो गाइस, दूध लेने के बाद अब मैं निकल चुका हूँ अपना यहाँ से, और अब घर जाके निकालते हैं पनीर। उसके बाद कुछ भी जाना है हैंडर पे, फिर जल्दी जल्दी चलते हैं निकालते हैं अपनी, फिर मिलते हैं आपको सीधा अपना। अब मिलेंगे आपको सीधा घर पे पनीर निकाल के, फिर चलेंगे अपने कोचिंग पे। तो वैसे मैं पहुंच चुका हूँ घर पे और अब बनाते हैं अपना पनीर। तो पनीर बनाने के बाद होते हैं दोबारा रेडी, फिर चलते हैं अपना कोचिंग की तरफ। तो वैसे फाइनली मैंने दूध रख दिया है पनीर के लिए में, और ये मतलब मैंने 6 लीटर दूध डाला है अभी, 6 लीटर 6 डब्बे डाले हैं अभी, 4 इसमें हैं 2 उसमें हैं, बाकी इसके बाद 6 डब्बे और बनाना है क्योंकि हम आज टोटल 11 बंदे हैं तो सबके लिए बनाना है। तो देखते हैं बाकी इनको बनाने के बाद, मिलते हैं एक बार पक जाने दो इसको, फिर उसके बाद दोबारा फिर बनाना है। तो वही एक तो दूध उबलना स्टार्ट हो चुका है, थोड़ी देर में पट जाए, पटने वाला है बस ये भी, और इसमें भी उबाल आना बाकी है क्योंकि इसमें है 4 लीटर और इसमें है 2 लीटर, तो इसलिए जल्दी पक गया 2 लीटर वाला, इसमें कम है तो इसको पकने दे देते हैं थोड़ी देर और फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस, 2 लीटर में से ये पनीर निकल चुका है थोड़े तुसक में से, और बड़े वाले तुसक अभी जो पक रहा है इसमें, अभी देखते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा क्योंकि ज़्यादा दूध है ना तो टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें, तो इसको पकने दे देते हैं। बाकी टाइम भी 1:35 हो चुके हैं, मुझे जल्दी निकाल के निकलना है मुझे भी यहाँ से, पबजी क्लास है तो 15-20 मिनट वहाँ पर पहुँचने में लगने हैं, तो इसे थोड़ा बाकी स्पीड तो फुल कर रखी है इसकी, फिर भी तो जितना टाइम लगता है लगने दो, अब क्या करें। तो मिलते हैं आपको बाद में। तो भाई, थोड़ा सा पनीर निकालने के बाद अब मैं निकल चुका अपना सेंटर के लिए, बाकी एक कस का निकाला अभी, बाकी आके निकालेंगे क्योंकि मैं भी लेट हो चुका था और उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो इसलिए मैं निकल चुका हूँ बाकी पनीर आगे निकाल लेंगे। तो अब मिलते हैं आपको सीधा कोचिंग सेंटर पहुंच के, निकालते हैं आपको, पढ़ते हैं वहाँ, फिर आगे मैं आते हुए मिलते हैं। बाकी मैं भी हो चुका हूँ लेट, तो बदले में सिर्फ 10 मिनट हैं, तो अभी मिलते हैं आपको सीधा आते हुए। तो फाइनली गाइस, क्लास में से निकल के अब मैं जा रहा हूँ अपना घर की तरफ, और घर जाके पनीर भी निकालना है। भाई और आगे होंगे जिन्होंने आया था, मेहमान भी आ चुके होंगे। ठीक है, तो अभी जाके देखते हैं क्या करना है। बाकी सूर्य भाई के साथ ओरिएंट भी जाना था क्योंकि जो मेरा फ़ोन आया था ना, मैं वो लेके गए थे सूर्य भाई, वो कहते थे कि चलो एक मैं ट्राई बना लेता हूँ, उनके जो दोस्त हैं उनका भी मतलब फ़ोन पे काम है, अच्छे टेक्नीशियन है, तो वो उनको दे के आए थे और मे बी वो ठीक भी हो चुका है, वो मुझे बता रहे थे
तो मे भी उनके साथ जाना पड़ेगा, ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो। अगर पनीर या तो निकला हुआ मिलेगा, देख अभी जाके पता लगेगा, अगर उन्होंने निकाल लिया होगा घर पे आके, नहीं तो फिर मैं निकालूंगा और फिर उसके बाद देखते हैं जाएंगे अपना ओरिएंट या वो कले जाएंगे तो अपना फ़ोन भी आ जाएगा। बाकी कल नहीं परसों सूर्य भाई ने जाना भी है, परसों सूर्य भाई ने जाना है, उनकी फ्लाइट है, इंडिया जाना है वो, ठीक है। तो अभी मिलते हैं आपको सीधा घर पहुँच के, तो देखते हैं क्या रहेगा। तो फाइनली गाइस घर पहुंच गए, अब हमने बनाई है खीर और बाकी अभी सब्जी की तैयारी है। हम सब कुछ सामान काट के रखा हुआ है, बस अभी तड़का वगैरह लगा के सब्जी बना देते हैं, बाकी खीर बना चुके हैं हम और अभी आटा भी गूंदना है। ये देखना है कौन है, पार्टी बन ले, उनसे लगाई आ रही है। आटा गूंद लिया मैंने और दो गूंद अपना डबल जाता है और ये सब्जी भी ऑलमोस्ट तैयार है। मैंने अपनी ये दाल और ये रही अपनी पनीर की सब्जी, ये पनीर की सब्जी। तो चलो अब देते इनको खाना वाना बना के, रोटी बना के मिलते बाद में। तो गाइस भाई और को खाना खिलाने के बाद उनके मतलब फैमिली वगैरह को सबको, और हमने भी खा लिया है और अब हम आ चुके हैं अपना बेड पे। तो अब करते हैं रेस्ट और मिलते हैं आपको अगली सुबह की शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।